हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे ना मेरे पास इतने सारे पार्सल्स हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास इतने सारे पार्सल्स हैं। आई थिंक ना ये मेरे पास 10 to 12 कुर्ता सेट्स हैं फॉर कॉलेज एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स। सो बहुत ही प्यारे प्यारे, फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, तो यहाँ पे फर्स्ट कुर्ता सेट से हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं सारे के सारे ओपन कर चुकी हूँ, है ना। मैंने आपके साथ ओपन वीडियो आपके साथ ही शेयर करा था, मेरी शॉर्ट वीडियो। तो अगर आपने नहीं देखा हो अभी तक, जाओ जाके देखो मेरी सारी की सारी शॉर्ट वीडियो, मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या था मेरी सारी वीडियोज में। तो यहाँ पे फर्स्ट कुर्ता सेट ये है जो कि मुझे सबसे पहले रिसीव हुआ था। यहाँ पे वही मेरे पास सबसे पहले आया है। बहुत ही प्यारा पिंक कलर है। इसका प्राइस मुझे याद नहीं, बट सारे के सारे 250 अंडर है, मतलब एक भी 250 से ज्यादा का नहीं है। और इसका ऊपर से ही ना वर्क देखो, इसमें ना फेक जो मिरर्स होते हैं ना, फेक मिरर वाले, वो उस तरीके का घोटे का काम है। बहुत ही ज्यादा प्यारा काम है, बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर रखा है इन्होंने। मतलब जिस तरीके से ये बांधनी वर्क को पूरा कर रखा है ना, 250 के अकॉर्डिंग इतना प्यारा कुर्ता आपको आपके लोकल स्टोर में तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। लाइक इसकी स्लीव्स देखो कितनी प्यारी है, पूरे में ना बंदेज का काम कर रखा है। लाइक वो राजस्थानी टच होता है ना, जोधपुरी, उस टाइप का पूरे में बंदेज का काम कर रखा है। पूरे के पूरे कुर्ते में ना इस तरीके से बंदेज का काम कर रखा है, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। मतलब इतने सारे कुर्ता सेट्स है ना, मुझे सबसे ज्यादा बहुत 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 ज्यादा पसंद आया ये वाला। आगे देखो पूरे का पूरा ना यहाँ पे इस तरीके से वर्क कर रखा है। इस तरफ आपको ना लुक बुक दिख जाएगा, या फिर इस तरफ कहीं पे भी लुक बुक चल जाएगा तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे कहीं पे शो हो जाएगा आपको इनकी क्या एक्चुअल प्राइस है, और मुझे किस तरीके से वहां पे शो हो रहे थे, मुझे कैसे रिसीव हुआ है ना, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा दिखा था एज ए टीज मिला है। फैब्रिक क्वालिटी, मतलब ओ माय गॉड, जब मुझे मिला था ना इतनी ज्यादा अच्छी फैब्रिक, वो भी 250 रुपीज में, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। प्योर कॉटन मटेरियल होता है ना उस तरीके का है, थोड़ा श्रिंक होता है, मतलब वॉश करने के बाद श्रिंक होगा ये, तो अपने साइज से थोड़ा सा लार्ज मंगवाना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिटी है, बहुत ही प्यारा है, मुझे कुर्ता बहुत ज्यादा पसंद आया। यहाँ पे जो स्लीव्स है ना, इसकी आपको 3/4 स्लीव्स या फिर 3/4 से थोड़ी सी ज्यादा आपको मिल जाएगी, जो भी होगा यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि कैसी स्लीव्स है इसकी। बहुत ही प्यारा सेट है, इसके लिए हाईली रिकमेंड करती हूँ, ले लेना यार। मतलब इससे बेस्ट तो क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा प्यारा कुर्ता है। नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं। यहाँ पे ये इस तरीके का एक प्लेन एक कुर्ता मिला है मुझे ब्लैक कलर का, जो कि मतलब आई थिंक सभी को पसंद है। ब्लैक कलर तो ऐसा है ना, यूनिवर्सल कलर है, सभी को बहुत ज्यादा पसंद होता है ब्लैक कलर। तो मेरे पास भी यही है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इवन आउट इसकी जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये ना आई थिंक कॉटन मटेरियल है, बहुत ही अच्छा वाला कॉटन नहीं है, बट फिर भी बहुत मतलब है ना, जितना एक्सपेक्ट, मतलब इतने कम पैसे में क्या ही एक्सपेक्ट करोगे ना, उस तरीके से बहुत ही अच्छा कॉटन है। इसको जब वॉश करोगे ना, वॉश करने के बाद ये इसकी क्वालिटी ना और ज्यादा अच्छी हो जाती है। मतलब मैंने ऐसे फैब्रिक देखे हुए हैं जो पहले बहुत शेयर लगते हैं, बट है ना धोने के बाद ना उनकी क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहली बात तो मैं स्पॉन्सर नहीं करती हूँ। मेरे देखो पूरे में ना यहाँ पे ये स्लीव नहीं है इनकी, और अंदर तो सबको स्लीव मिलती भी नहीं है, बट इस तरीके के जो स्लीव है ना वो चल सकती है। आई थिंक पहनते हैं, मुझे बहुत क्यूट लगता है, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। पूरे के पूरे कुर्ते में ना इस तरीके की बूटियों का काम दे रखा है, पूरे के पूरे ना ये प्रिंट है, कोई थ्रेड वर्क या इस तरीके का वर्क नहीं है, पूरे के पूरे में बूटियां बनी हुई है। साथ में ना लास्ट में इसके बॉर्डर पे ना इस तरीके का काम कर रखा है, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ ना इसी तरह का वर्क कर रखा है, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। पीछे की तरफ भी ना आपको पूरी की पूरी बूटियां मिल जाएगी। ऐसा ना बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये कुर्ता ना बहुत ज्यादा प्यारा लगा। लाइक डेली के हिसाब से, ऑफिस एंड कॉलेज के हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छा कुर्ता है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। तो मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ आपको कि ले सकते हो। फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा प्यारा भी लग रहा है पहनने के बाद। आप यहाँ देख सकते हो पहनने में कैसा लग रहा है, मैंने अभी तक इसको पहन के नहीं देखे, बट आई थिंक जैसा दिख रहा है ना तो बहुत ज्यादा सुंदर ही लगने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है ना, ये उनके लिए है जिनके बजट बहुत ज्यादा कम है, लाइक वो 250 तक भी नहीं जा सकते। तो उनके लिए ना अंडर 250 में मैं यहाँ पे दो कुर्ते लाई हूँ। लाइक ये कॉम्बो में मुझे रिसीव हुए थे अंडर 250। लाइक आप सोच सकते हो 250 के अंडर, मतलब 250 से भी कम में मुझे मिले होंगे ये दो कुर्ता सेट्स। लाइक कलर देखो, एक तो पिंक एक ब्लू, बहुत ज्यादा प्यारे कलर्स है, इतने ज्यादा वाइब्रेंट से और बहुत ज्यादा कूल लगते हैं। मतलब अभी के टाइम में मुझे तो बहुत ज्यादा कलर, मुझे पर्सनली मेरा बहुत ज्यादा स्काई ब्लू कलर बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। तो स्टार्टिंग भी इसी से करते हैं, क्योंकि मैं पिंक वाला ओपन कर चुकी हूँ अपनी शॉर्ट वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो अभी भी मैं ओपन करूंगी, आप देख ही लेना। तो यहाँ पे ये ब्लू वाला है। इसकी अगर मैं क्वालिटी फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। लाइक वो जो क्रेप मटेरियल आता है ना, उस तरीके का मटेरियल है। फैब्रिक बहुत ज्यादा लाइफ लॉन्ग नहीं होता है इनका, बहुत कम टाइम तक चलते हैं। बट अगर आप इनको
इजी वॉश करेंगे और सही तरीके से चलाएंगे ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। लाइक इसके ना देखो, सबसे पहले तो इसकी स्लीव नहीं है, ये स्लीवलेस है। अगर आपको इससे भी प्रॉब्लम है ना तो ये आपके लिए नहीं है। इसके अलावा मेरे पास और ऑप्शन थे कॉम्बो में, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही प्यारा है, लाइक ऐसा तो आप पहन ही सकते हो जिनके पूरे इतने बड़े शोल्डर्स हो, बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट इसकी लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी लेंथ है इसकी। आई थिंक ना इसकी नी से नीचे तक इसकी पूरी लेंथ है। पूरे पे इस तरीके का प्रिंट कर रखा है, बहुत ही प्यारा प्रिंट है। व्हाइट एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है ना वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ना, ये वाला ना ये जो फैब्रिक है ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होता है। तो अपना फिट, जो अपना फिट है ना आपका प्रॉपर फिट, उसी के अकॉर्डिंग मंगवाना, ज्यादा लूज मत मंगवाना वरना ऑल्टर कराना पड़ जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ये पिंक वाला सेम जैसा वो है वैसा ही एक फैब्रिक भी सेम है दोनों के, तो बिल्कुल एक जैसे हैं और प्रिंट फैब्रिक सब कुछ एक जैसा है। तो इसको ओके, तो नेक्स्ट कुर्ता सेट की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके का मुझे रिसीव हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि वहाँ पे कैसा शो हो रहा था, मुझे कैसा मिला है। आई थिंक मुझे जैसा दिख रहा था ना वैसा का वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है यहाँ पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी अगर फैब्रिक की मैं बात करूँ ना तो मतलब जो प्राइस, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मुझे किस प्राइस में ये मिला है। बिल्कुल कोई आइडिया भी नहीं है मुझे कि मुझे किस प्राइस में मिला है। बट अगर ये 200 के ऊपर है ना, अगर 200 से ज़्यादा का है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। लाइक ठीक है, प्रिंट मुझे अच्छा लगा, ब्राउन कलर का ये जो भी शेड है और इसके ऊपर जो भी है ना, ये देखो बहुत ज़्यादा ना डार्क से और लाइट से जो काम कर रखा है ना बहुत अच्छा है, प्रिंट बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। बट एज अ सेम टाइम में अगर इसकी फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक फिर से इसका क्रेप है, पर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये वाला। तो देख सकते हो अगर अंडर 200 है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट 250 या 200 का है ना तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। आप चाहो तो मंगवा सकती हो, पहन के कैसा लग रहा है। आई थिंक पहनने पे तो अच्छा ही लगेगा, बट एज अ फैब्रिक क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इसके लिए मैं नो करती हूँ। फिर भी अगर आपको दिखने में अच्छा लग रहा है तो मंगवा सकते हो, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर लेना। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कुर्ता सेट की बात करते हैं। सर यहाँ पे इस तरीके की जो पैकेजिंग आने लगी ना डार्क ब्लू कलर की, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, बहुत प्यारी लगती है। पहला तो ये वाला पैकेजिंग और मीशो की ये वाली पैकेजिंग ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फर्स्ट इसी को ओपन कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना कुर्ता सेट है पूरा, लाइक पैंट एंड कुर्ता सेट दोनों। अभी तक मैं आपको जो दिखा रही थी ना वो सिर्फ कुर्ता सेट थे, मतलब सिर्फ कुर्ते थे, और यहाँ पे ना ये पूरा कुर्ता एंड पैंट का पूरा सेट है। तो कुछ इस तरीके का इसका कलर है, लाइक डार्क ब्लू कलर है इसका, रॉयल ब्लू कलर भी कह सकते हो आप इसको। और इसके साथ ना इस तरीके की पैंट आपको मिल जाती है। फैब्रिक बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये भी 250 का ही है, 250 से ज़्यादा का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लाइक लिटरली आप सोच सकते हो ना 250 और 260 रुपीज़ में इतना ज़्यादा प्यारा आपको मिल जाएगा। फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक फैब्रिक ना आई थिंक कॉटन है, मुझे ढंग से याद नहीं है, बट मुझे फील करने पर यही लग रहा है कि कॉटन है। इसको ना आप वॉश करोगे तो श्रिंक भी हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो लास्ट में इसके जो बॉटम है ना वहाँ पे इस तरीके का पूरा चौड़ा बॉर्डर दे रखा है जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये पूरा पूरा ना थ्रेड वर्क कर रखा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा अच्छा है, थ्रेड वर्क बहुत ज़्यादा प्यारा है, पूरा गुथा हुआ काम है, कहीं से इसके धागे नहीं निकल रहे। सबसे बड़ी बात तो धागे बिल्कुल नहीं निकल रहे। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि कितना आ रहा है मुझे, और आई थिंक ऑल्टर कराने की ज़रूरत मुझे तो नहीं पड़ने वाली क्योंकि मेरी हाइट तो अच्छी है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बॉटम की बात कर ली मैंने। यहाँ पे अगर हम और पूरा का पूरा स्ट्रेच आ रहा है, सबसे पहले तो मुझे पहले लगा था ना जब मैंने इसको ओपन करा था तब मुझे लगा था कि ये पूरा का पूरा स्ट्रेच नहीं आएगा, अनस्ट्रेच आएगा, बट नहीं, पूरा का पूरा स्ट्रेच यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ है। ये देखो इतना प्यारा, ये ना आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि कॉटन है ना, तो मैंने इसका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा मंगवा दिया, बट ना यहाँ पे फिर भी मैंने मीडियम ही मंगवाया, फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया। तो इस वजह से इसको वॉश करने के बाद और थोड़ा सा फिटिंग करवाने के बाद ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी जो स्लीव है ना, मैं इतनी बड़ी स्लीव दी हुई है, आई थिंक ये मुझे 3/4 से ज़्यादा आ जाएंगी। सर लास्ट में ना इस तरीके की लेस दी हुई है जो बहुत ही प्यारी लग रही है, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं बट थोड़ा छोटा बॉर्डर इन्होंने दे रखा है, थ्रेड वर्क का ही काम है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बीच वाला जो है ना, पहले यहाँ पे इसकी नेक की बात करते हो तो नेक यहाँ पे कुछ 3-4 inches है, ज़्यादा बड़ा नेक नहीं है आगे का, और पीछे का नेक तो बहुत ही छोटा है। और नेक्स्ट इसके अंदर की जो वर्क की बात करते हैं ना, पूरे में इस तरीके का ना लाइन टू लाइन एक के नीचे एक इस तरीके का वर्क दे रखा है, बाकी कहीं पे भी इसके काम नहीं है। पीछे भी देख सकते हो पूरा प्लेन है, बाकी सब तरफ प्लेन है, सिर्फ यहाँ बीच में ना इस तरीके का वर्क दे रखा है जो कि पूरा पूरा थ्रेड वर्क है। यहाँ पर ना थोड़े से थ्रेड इस तरीके से लगे हुए हैं, बट ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इनको ना आप सीजर की हेल्प से काट के और बहुत ही सही लगेगा, वो इतना बहुत बिग इशू नहीं है, तो मैं इस पर इग्नोर कर सकती हूँ, इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा है ये।
थ्रेड का कहीं से भी काम नहीं निकला हुआ है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही गुथा हुआ थ्रेड का काम कर रखा है। अगर आपको पास से दिखे ना तो देखो, बहुत ही गुथा हुआ थ्रेड का इन्होंने काम कर रखा है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, अगर चाहो तो ले सकते हो, कलर बहुत सारे अवेलेबल थे इसमें। और इसके बाद दूसरी बात करते हैं, अब ये वाला जो सेम है ना मेरे पास, इसमें आई थिंक एक दूसरा कलर भी है, मैंने ध्यान नहीं था मुझे, सेम मैंने एक और ऑर्डर कर दिया यार, ये रहा वो। तो मैंने यहाँ पे एक तो ब्लू और दूसरा एक ब्लैक में ऑर्डर कर दिया, तो एक को मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, देखती हूँ मैं कौन सा वाला रिटर्न करती हूँ। तो क्योंकि सेम सेम तो मैं दो नहीं रख सकती, बहुत ज्यादा कलर डिफरेंस भी नहीं है। तो वो ब्लू था, ये ब्लैक है, देख सकते हो आप, इसमें भी सेम टू सेम जैसा बॉटम है, बॉटम में सेम इस तरीके की पूरा ये काम दे रखा है, मतलब लास्ट में जो पूरा चौड़ा बॉर्डर दे रखा है, पूरा का पूरा थ्रेड वर्क है यहाँ पे, ब्लैक कलर का है ये। लेंथ बहुत ज्यादा अच्छी, लाइक जो फाइव टू सिक्स होती है ना गर्ल्स, इससे ज्यादा क्या होंगी यार, तो उनको भी इजीली आ जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत प्यारा लगा मुझे, फैब्रिक सेम है जैसा उसमें था वैसे ही फैब्रिक है इसका भी। नेक्स्ट इसके अगर कुर्ते की बात करते हैं ना, कुर्ता भी बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो पूरा बीच में ना इस तरीके का वर्क मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा थ्रेड वर्क है। और इसमें ना कहीं पर भी आप देख सकते हो, लाइक पास से आप देखो कहीं पर भी इसमें ना थ्रेड निकले हुए नहीं है, उसमें फिर भी थोड़ा सा फिनिशिंग का प्रॉब्लम था, बट इसमें कहीं पे भी थ्रेड निकले हुए नहीं है। बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ज्यादा गुथा हुआ काम है धागे का, बहुत प्यारा लगता है। लेग्स यहाँ पे लास्ट में ना इसी तरीके से ये लेस मिल जाती है जो बहुत प्यारी लग रही है, सेम जैसा उसमें था वैसा ही, वैसा का वैसा ही फैब्रिक क्वालिटी वर्क सब कुछ सेम है। तो चाहो तो ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे इसमें, तो लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, ट्राई कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट पार्सल की हम बात करते हैं ना। अब ये वाला पार्सल जब मैंने वहां देखा था ना, तो स्टॉक आउट यही दिखा रहा था मुझे, बहुत सारी मैंने साइट पे देखी, मतलब साइट क्या, मैंने मीशो पे ही देखा, बट बहुत सारे अलग अलग शॉपकीपर्स को मैंने देखा, बट सेम बहुत सारे सारे सोल्ड आउट ही आ रहा था मुझे। और अगर मुझे ये मिला तो बहुत ज्यादा लार्ज साइज में मिला, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी पहन के, आई डोंट थिंक सो कि कैसा लग रहा होगा ये, इतना ज्यादा लाइक ये ना 4XL है, इतना ज्यादा बड़ा है, बट मुझे आपको दिखाना था ना, इस वजह से मैंने इसको मंगवाया कि मैं ना इसको ऑल्टर करवा के और फिटिंग वगैरह करवा के ना इसको सेट कर लूंगी। अब देखो इसमें ना सबसे बेस्ट मुझे क्या लगा कि मैं इसको क्यों इतना ज्यादा लेना चाहती थी, इसमें ना बहुत ज्यादा टाइम डाई टाइप के जो काम वर्क होते हैं ना, सॉरी वर्क नहीं होता, जो प्रिंट्स हो या फिर जो भी इसको कहते हैं ना टाइम डाई टाइप के जो होते हैं कलर्स, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक इसमें जो व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन दे रखा है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिटी और सबसे ज्यादा प्यारा लगा। इसकी लेंथ देखो, लाइक 4XL है ये, इतना बड़ा 4XL है, मुझे मेरे जैसी ना दो आ जाएंगी इसमें, इतना ज्यादा बड़ा ये कुर्ता है। फिर भी मैं इसको करवा लूंगी, थोड़ा सा ऑल्टर वगैरह करा के और सब कुछ ठीक कर लूंगी। नेक्स्ट इसकी स्लीव जो है ना वो हाँ, मतलब 3-4 स्लीव आपको मिल जाएंगी, मैं आपको यहाँ पे पहन के एक बार फिर भी दिखाऊंगी इसको, थोड़ा कहीं से पिनअप वगैरह करके कि किस तरीके से पहनने पे लगता है। बहुत ज्यादा प्यारा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लाइक आई थिंक 250 अंडर ही है, सारे के सारे 250 अंडर है, बहुत ज्यादा प्यारा लगा। लेंथ बहुत ज्यादा अच्छी, लाइक इन सबसे जो भी थे ना, इन सबसे नी से भी बहुत ज्यादा नीचे इसकी लेंथ आ जाती है, तो लेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। नेक्स्ट नेक की बात करते हैं ना, नेक इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरीके का आप देख सकते हो कॉलर वाला नेक है, यहाँ पे आपको जो बटन्स मिलते हैं ना ये ओपन नहीं होते हैं, यहाँ पे जो आपको बटन्स मिलेंगे ना ये ओपन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो बटन है ये आई थिंक यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे ही ओपन दे रखा है, वरना ये भी टक नहीं होगा। बहुत ही प्यारा है मुझे कुर्ता, बहुत ज्यादा सुंदर लगा। फैब्रिक की बात करना मैं भूल गई, फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा, फैब्रिक रेयॉन फैब्रिक है और रेयॉन फैब्रिक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। रियॉन तो आपने पहन रखा है ना, तो बिल्कुल भी आपको उसमें ना डिस्कम्फर्ट या फिर कहीं चुभना कुछ भी नहीं होता, कॉटन में फिर भी आपको लग सकता है बट इसमें बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा मटेरियल होता है, लाइक अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहें तो बहुत ज्यादा ठंडा मटेरियल होता है, बहुत प्यारा लगता है बॉडी पे और सबसे ज्यादा अच्छा ना कम्फर्टेबल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो उसको ले सकते हो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। अगर ये अवेलेबल होगा तो सभी के लिंक में दे दूंगी, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्सल की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैंने पहले आपको कॉम्बोस दिखा है ना वो थे स्लीवलेस, अब यहाँ पे मैं कॉम्बो दिखा रही हूँ आपको, वो है स्लीव वाले, मतलब इनकी स्लीव है, तो जिनको स्लीवलेस से प्रॉब्लम है ना वो इनको ट्राई कर सकते हैं। लाइक ऑफिस वगैरह में किसी को प्रॉब्लम होती है, कॉलेजेस में भी प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को कि वो ऐसे स्लीवलेस पहन के नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास दो अलग अलग कलर्स हैं, क्योंकि एक ओपन है, मैंने भी अभी देखा है एक ओपन है, तो इसी को पहले ट्राई करते हैं। बहुत ही प्यारा है, लाइक इतना सुंदर आपको ना थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से इतना सही से दिख नहीं रहा होगा इसका कलर, बाकी इसका ना वो लाइट ग्रीन कलर जो होता है ना, लाइट ग्रीन कलर उस तरीके का कलर है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है।
प्रिंट बहुत ज्यादा अच्छा है, लाइक आप यहाँ पे कैमरा में भी देख सकते हो तो भी शो हो जाएगा आपको, वरना मैं इसमें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके का प्रिंट और किस तरीके का कलर है। बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा मुझे, लाइक लिटरली मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा ये कलर गिफ्ट। और फैब्रिक की अगर मैं बात करती हूँ, फैब्रिक फिर से मैं कहूँ क्रेप फैब्रिक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है बट बहुत खराब भी नहीं है, लाइक ओकेश फैब्रिक है, बहुत ज्यादा लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, थोड़े टाइम के लिए पहनो तो ठीक है, वरना तो मुझे इतना ज्यादा, अगर कलर और उसकी प्रिंट की मैं बात करूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा, बट एज एट द सेम टाइम मुझे इसका फैब्रिक इतना पसंद नहीं आया, बट जो प्राइस हम पे कर रहे हैं ना उसमें यही मिलेगा, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। इसमें जो मैंने साइज मंगवाया ना वो एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाया है, तो आप देख सकते हो अगर मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाया है तो वहाँ पे मतलब क्या ही होगा साइज चार्ट, तो देख सकते हो उस अकॉर्डिंग आप मंगवा सकते हो। बहुत ही प्यारा है, नी लेंथ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, नी से नीचे तक जाएगा ये तो बहुत ज्यादा प्यारा। नेक्स्ट कुर्ते की भी हम बात करते हैं, अब मैं इसको ओपन करके नहीं दिखाती क्योंकि फैब्रिक क्वालिटी सब सेम है, बट इसका प्रिंट अलग है, कलर अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो इसको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। अब सेम इसकी बात करते हैं ना, बहुत ज्यादा सुंदर है, लाइक ये देखो इसकी स्लीव जो है ना 3/4 आ जाती है, उसकी भी स्लीव 3/4 ही थी, इसमें फ्लावर प्रिंट आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, लाइक फ्लावर प्रिंट और जैसे ग्रीन कलर के पेटल्स और जिसमें काम दे रखा है ना, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, लाइक डेली यूज के अकॉर्डिंग जैसे आप ऑफिस जाते हो कॉलेज जाते हो तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, तो बहुत ज्यादा प्यारा है, ऐसे ट्राई कर सकते हो आप। नेक बहुत ज्यादा डीप नहीं है, 3-4 inches होगा नेक, इससे ज्यादा का नहीं है, और बहुत ज्यादा प्यारा है, नीचे नीचे तक है, इसको एज ए जीन्स के साथ आप पेयर अप कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट कुर्ता सेट की हम बात करते हैं, यहाँ पे कुर्ते कुर्ते बहुत ज्यादा हो गए, कुर्ता सेट की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ना मेरे पास इस तरीके का फिर से ब्लैक कलर का कुर्ता है, आई थिंक मैंने ना बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक दिखा दिया, किसी में बहुत ज्यादा पिंक हो जाता है, किसी में बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाता है, एक ब्लैक कुछ ज्यादा ही रैंडमली मेरे पास आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे ना कुछ इस तरीके का कुर्ता सेट है, ये जैसा मैंने वो मंगवाया था ना पैंट्स एंड कुर्ता, उस तरीके का है, गोटे का काम है बट इसमें है ना धागे का वर्क नहीं है, गोटे का काम है, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, दैट्स व्हाई मैंने इसको भी ऑर्डर करा। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना, ये कॉटन मटेरियल नहीं है, मुझे कॉटन बहुत ज्यादा अच्छा है, कॉटन फैब्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बट ये ना रेयॉन फैब्रिक है, बहुत ज्यादा प्रिटी और बहुत प्यारा लगता है, लाइक ब्लैक है ना तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा चार चांद लगा देता है आपकी आउटफिट में, आपके फेस में, आपकी हेयर स्टाइल में, हर चीज में ब्लैक कलर मतलब बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, तो इस तरीके का ये है। नेक्स्ट ना इसके लास्ट वाला जो यहाँ पे बॉटम के आपको लास्ट में मिल जाता है ना, इस तरीके का गोटे का काम आपको मिल जाएगा, ये देख रहे हो आप, गोटे का काम आपको मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा लगता है ये और बहुत सुंदर है, लाइक आपको 250 के अंडर अगर इतना अच्छा पीस मिल रहा है ना तो इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लाइक आप इससे अच्छा तो कहाँ ही ढूंढने जाओगे। 250 में आपको फैब्रिक क्वालिटी प्रिंट सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा बेस्ट डील है। यहाँ पे देख सकते हो आपकी स्लीव्स है ना 3/4 से बहुत ज्यादा मतलब आगे तक आएगी, तो अच्छी है ना, लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे बॉर्डर दे रखा है, लाइक गोटे का काम, और यहाँ पे ये जो स्लीव पे ये जो डिजाइन है ना ये बहुत ज्यादा प्यारी है, ये भी गोटा पत्ती के ही काम है, बहुत ही प्यारा लगता है, पूरे के पूरे में ना बूटियों का काम दे रखा है, ये थ्रेड वर्क नहीं है, पूरे के पूरे में ना प्रिंट आपको दे रखी है। नेक आगे का जो नेक है ना वो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो नेक बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4 inches इसका नेक का साइज होगा, मतलब आगे से जितना है ना उतना ही है, पीछे से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, नेक बहुत ही ज्यादा कम है, नेक इसके पूरे के पूरे में ना नीचे लास्ट में आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाता है, ये बॉर्डर ना सिर्फ आगे की तरफ आपको मिलेगा, पीछे की तरफ आपको ये बॉर्डर नहीं मिलता है, तो बहुत ही प्यारा है, डिसेंट है, 250 rupees में मतलब वर्थ बाइंग है, अगर इसकी प्राइस अगर मैं गेस करूँ ना तो 500-600 अराउंड है, बहुत ज्यादा प्यारा है, आप चाहो तो ले सकते हो, लाइक मेरे लिए हाईली रिकमेंड है ये वाला कुर्ता सेट, तो बहुत ओके गाइस, तो नेक्स्ट कुर्ता सेट की हम बात करते हैं, यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से है, और ओहो ये वाला जो है ना मतलब लाइक अब मैंने क्यों इतना शॉक किया क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगा, बहुत ज्यादा इतने सारे कुर्ता सेट्स और कुर्ते हैं मेरे पास, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, सब बहुत ज्यादा प्रिटी है, लाइक मुझे बहुत ज्यादा सारे के सारे अच्छे लगे, मैं किसी के भी बुराई नहीं कर सकती, बट ये वाला जो है ना मैं बहुत मुझे आज ही रिसीव हुआ है और आज ही मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ, मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा, लाइक आई डोंट नो कि इतना ज्यादा अच्छा क्यों लगा मुझे, फैब्रिक इसका कॉटन है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, नेक्स्ट इसका जो प्रिंट है ना मुझे वो प्रिंट बहुत ज्यादा सुंदर लगा, आप देख सकते हो ऑरेंज पूरा व्हाइट कलर के फैब्रिक पे आपको ऑरेंज एंड ब्लू कलर का जो वर्क दे रखा है, लाइक वर्क नहीं है ये प्रिंट है, जो कि इतना ज्यादा फ्लावर वाला फ्लावरी जो पैटर्न है मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज्यादा इसमें किसी भी तरीके का गोटे का काम नहीं है, थ्रेड का काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिसेंसी में इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है, इसका जो साइज है ना मैंने मीडियम यहाँ पे मंगाया, आपको कैमरा में शो नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी जो स्लीव है, ये स्लीवलेस है इसलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है, इतना ज्यादा
क्यूट और डिसेंट टॉप लगते हैं ना मुझे, लाइक बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, ऐसे देख सकते हो आप। इसकी स्लीव्स बहुत ज्यादा प्यारी और क्यूट लगती है, मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है ये। इसमें कोई भी अलग से स्लीव्स नहीं मिल रही है, अगर आप चाहो तो व्हाइट कलर की इसमें लगा सकते हो, वरना जरूरत नहीं है यार, इतना ज्यादा प्यारा कुर्ता है ये, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। नेक्स्ट इसमें ना सबसे बेस्ट चीज क्या हो जाती है ना, जो प्राइस आप पे कर रहे हो लाइक 260 या 250 रुपीज, अच्छे से याद है मुझे, आज ही मैंने पे करा है, 250 और 260 रुपीज में ना लाइक आपको बॉटम एंड अपर दोनों मिल जाता है, साथ ही साथ जो फैब्रिक, ओ माय गॉड इतना ज्यादा अच्छा फैब्रिक मिल जाता है। ये इस तरीके का ना ब्लू कलर का आपको यहाँ पे पैंट मिल जाएगा, पूरा इलास्टिक यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और पूरे का पूरा प्लेन, बहुत ही ज्यादा अच्छा फैब्रिक है, इसका लेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है, ट्राई कर सकते हो, मेरी तरफ से हाईली 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 रिकमेंड है, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा है ये, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो मेरी तरफ से, यस है। ओके तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, सारे के सारे पार्सल्स ओपन हो चुके हैं, सारे के सारे कुर्ते मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगे, लाइक जो लास्ट वन था वो तो मेरा फेवरेट था, और सबसे ज्यादा बेस्ट भी मैं उसी को कहूंगी, लाइक जो प्राइस मिल रही है उस प्राइस में बहुत ज्यादा सुंदर है वो। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, मेरे चैनल पर गिव अवे चल रहा है, उसका रिजल्ट मैं इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, तो लाइक करो वीडियो को, लाइक करो जल्दी जाओ लाइक करो, लाइक करना भूल गए ना तो यार सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।